उत्तर प्रदेश के मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी आजकल चर्चा में छाए हैं। मुख्तार के नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर खौफ खाते हैं। मुख्तार का असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल बल्कि बिहार के कई सीमावर्ती जिलों में है। वर्ष 2015 में बिहार के एक अपराधी ने मुख्तार को मारने की सुपारी ली थी। दावा किया जाता है कि मुख्तार को मारने का सौदा पूरे 6 करोड़ रुपये में तय हुआ और इसमें से 50 लाख रुपये एडवांस दिए गए। इसी खतरनाक मकसद को पूरा करने के लिए बिहार का मोस्ट वांटेड बदमाश सचिनानंद उर्फ लंबू शर्मा आरा जेल से पेशी के लिए कोर्ट में लाए जाने के बाद फरार हो गया। हालांकि ये गलती बाद में उसे काफ़ी महंगी भी पड़ी। कुछ महीने बाद ही उसे दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने धर दबोचा। इस मामले में लंबू को फांसी की सजा हो चुकी है। उसके खिलाफ कई थानों में कई बड़े मामले दर्ज हैं। बिहार पुलिस को उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित करना पड़ा था। लंबू ने अपने जीवन का पहला मर्डर केवल 12 साल की उम्र में किया था। मूल रूप से भोजपुर जिले के पीरो का रहने वाला लंबू बचपन में एक लड़की से प्यार करता था। उसी लड़की को एक और शख्स भी चाहता था, जिसका लंबू ने खून कर दिया। तब से उसे सजा तो हुई, लेकिन कम उम्र होने के कारण उसे बाल सुधारगृह में रखा गया। कुछ ही महीने बाद लंबू वहां से फरार हुआ। इसके कुछ महीनों बाद पकड़ा गया। लंबू दूसरी बार भी न्यायिक हिरासत से भागने में कामयाब रहा। हालांकि तब तक वो बेहद शातिर अपराधी बन चुका था। जेल में बंद एक नक्सली से उसने बम बनाना भी सीखा। इसका इस्तेमाल उसने जेल से भागने में किया। तीसरी बार न्यायिक हिरासत से फरार होने के लिए उसने नगीना नाम की एक महिला का इस्तेमाल मानव बम के रूप में किया। हालांकि इस मामले में नगीना को यह कहकर धोखे में रखा गया कि उसके झोले में रखी चीज एक कैमरा है, जिसका बटन दबाते ही लंबू की तस्वीर कैमरे में कैद हो जाएगी। यही महिला आरा सिविल कोर्ट में बम लेकर पहुंची और लंबू के पास पहुंचते ही उसका स्विच दबा दिया। इसी के साथ बम धमाका हुआ और महिला के साथ ही पुलिस वाले की जान चली गई। मौके का फायदा उठाकर लंबू और एक अन्य अपराधी वहां से फरार हो गया। दिल्ली में गिरफ्तार किए जाने के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वो यूपी के विधायक मुख्तार अंसारी को मारने के लिए जेल से फरार हुआ था। बिहार के बाहुबली नेता और तब भोजपुर जिले के पीरो विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विधायक रहे सुनील पांडे, यूपी के बाहुबली ब्रजेश सिंह और खुद मुख्तार अंसारी दिल्ली पुलिस के समक्ष लंबू शर्मा के दिए बयान से मुश्किल में पड़ गए। जदयू के विधायक को तो जेल तक जाना पड़ा था। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से जल्द ही जमानत मिल गई और बाद में आरा सिविल कोर्ट ने उन्हें मामले में बरी भी किया। ब्रजेश सिंह के खिलाफ इस मामले में पुलिस चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकी। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इस मामले में लंबू के अलावा कई अन्य अपराधियों को भी सजा सुनाई गई। आरा सिविल कोर्ट ने लंबू के खतरनाक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुना दी, जबकि इस मामले में 6 और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके खिलाफ अभियुक्ति ने अपील कर रखी है। इनमें मुख्तार अंसारी का करीबी रहा चांद मियां भी शामिल है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.